जी नाजीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन रैली निकाले हुए है और जो पाकिस्तानी अफवाज हैं और खत्ते में जो कशीदगी है उसके साथ इजहार यकजहती के लिए और आम की आवाज बुलंद करने के लिए ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान गुड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, इनके अहदेदारान भी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर की जो सदाएं हैं आपको यहाँ पे सुनाई दे रही है। एक मरतबा मैं आपको सुना देती हूँ, नारे किस तरह से लग रहे हैं आप? ये नारेबाजी हो रही है, हम सेक्रेटरी साहब से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। क्या मकसद है इतनी बड़ी रैली निकालने का? हम अपने मुल्क के लिए, अपनी पाक फौज के लिए उनके शाना बशाना है। नरेंद्र मोदी ने इस कौम को ललकारा है, अब उसको जवाब जो मिलेगा। इस कौम के 22 करोड़ की कौम फौज है, ये खाली पाक आर्मी की जो फौज है, हम उसके शाना बशाना है। हमारे खून का आखिरी कतरा तक इस मुल्क के लिए कुर्बान है। आपके वजीर आजम अम की बात करते हैं, क्या आप भी अम को प्रमोट करेंगे, अम की बात करेंगे, अपने वजीर आजम का साथ देंगे? हम पुरअमन लोग हैं, अमन चाहते हैं। अगर हमारे ऊपर रियासती जाती मोदी ने बंद ना की तो इसको ईंट का जवाब पत्थर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो हमें इज्जत दी, जो उनके दो प्यारे हमने गिराए, उनके पायलट को कैद किया, आज ये इस कौम का सर फखर से बुलंद है। नारे यहाँ पर नारों की आवाज बहुत ज्यादा है, स्पीकर्स की आवाज बहुत ज्यादा है, कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी तो हमने चादर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तो हमने चादर और चार दीवारी की हिफाजत की है, अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो उनके घर जाके मारेंगे अभी नहीं, वो अपने हरकत पूरी कर ले, फिर हम उनको बताएंगे कि 22 करोड़ आवाम क्या है और वो किस तरह मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। नाखन ले लो, अभी भी होश के नाखन ले लो। मुसलमान तो पैदा ही जज्बे के लिए हुआ है, किस लिए पैदा हुआ है? शहादत के लिए, और हम शहादत के लिए तैयार हैं, हम शहादत के लिए बच्चे भी हमारे तैयार हैं। अम के लिए पैगाम देना है, अम के लिए क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमन के लिए हमारा पैगाम यही है कि अगर हमारी हुकूमत अमन का पैगाम दे रही है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर उन्होंने जंग की तरफ हाथ उठाया तो हम जंग करने के लिए हक साथ शामिल है, हम हक के लिए उनके साथ हैं, फौज के साथ हैं। अगर इतनी बड़ी रैली निकालने का पैगाम क्या है, इतनी बड़ी रैली निकालने का मकसद क्या है? अमन रैली निकालने का जो पैगाम है वो हम पाक फौज के साथ हैं, हमने पाक फौज के साथ यकजहती को शो करना है। जैसा कि रैली निकाली है इन्होंने, ये मोदी को चाहिए पाकिस्तानी अवाम अपनी कुर्बान, पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो जाएगी, ये गलत गाड़ा जो कर, इसको नहीं पता। हमने इसी साल में कश्मीर लेना है इंडिया से इंशाल्लाह ताला, इसी साल हमने इंडिया से कश्मीर लेना है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला। साथ में कश्मीरियों की भी आवाज बन रहे हैं आप लोग, हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और अपने मुल्क को दफा देने के लिए हर मुमकिन अपनी कुर्बानियाँ देने नहीं करेंगे। और नरेंद्र मोदी को ये बावर कराना चाहते हैं कि हमने अपनी माओ से शहादत का जाम पीने का नोश ये सीखा हुआ है कि हम अपने मुल्क पर हर चीज कुर्बान करेंगे। अगर ये मुल्क है तो सब कुछ है, हमारा भारत को यह पैगाम है कि हमारे जवानों से टकराएगा तो इंशाल्लाह ताला ये पाँच पाँच हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम जैसे हमारे वजीर आजम साहब ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा, हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, हम दुनिया को अमन का तहफ़ दे रहे हैं, हम दहशत गर्दी की जंग लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पुरअमन रहने दिया जाए। अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की तो हमारे पाकिस्तान का बच्चे का आखिरी खून का कतरा तक इस मुल्क पे, इस पाक फौज पे कुर्बान। हम के हक में नहीं है, पर जब मसला हमारी अन्ना का आ जाएगा, हम मानी पंचतन पाके हैं, हम कभी भी नहीं पीछे हटेंगे इंशाल्लाह।
नाज़रीन ये वो माहौल है जो कि कशीदगी के बाद शहर लाहौर में पैदा हो चुका है। रैलियों की सूरत में लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं और बता रहे हैं, इजहारे यकजहती कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा पैगाम यहाँ से जो दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है, वो अमन का पैगाम है। जैसा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अमन का पैगाम दिया है। ये नौजवान ये कह रहे हैं कि हम अमन के लिए पहल करेंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब से वैली आम से देखा जाएगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, बल्कि हम रिटेलिएट कर देंगे। इसी तरह से आप, मैं कैमरामैन से गुजारिश करती हूँ कि जरा ओवरऑल व्यू दिखा दें यहाँ पे, क्योंकि आवाज़ नहीं पड़ रही है, कानों पर ही आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। तो विजुअल अगर आप देखें तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक मरतबा माहौल जो है वो बना हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त सुल्तान महमूद साहब हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर हैं, साथ ही साथ सेक्रेटरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और आपको मनाज़िर दिखाने के लिए खुद इनके कारवान में हम शामिल हो चुके हैं। ये इनका कारवान है जिसको ये लेकर आगे की तरफ जा रहे हैं और ये अम रैली है और अम का मैसेज देने के लिए ये बाहर निकले हैं और पाक फौज पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती करने का इनका मकसद है। आइए सुल्तान महमूद साहब से हम बात करते हैं। सुल्तान महमूद साहब, ये बहुत ज़रूरी है क्या कि रैली निकाली जाए और इजहार मोहब्बत का ये तरीका ठीक है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम ये समझते हैं कि मोदी हुकूमत को ये बताना ज़रूरी था कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फौज के साथ है और इंशाअल्लाह ताला साथ हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। और एक बात मोदी हुकूमत को बताना चाहते हैं, हमारी दोनों तरफ से जीत है, बच गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, यही काफ़ी पैगाम हमारे लिए मोदी हुकूमत को है। तो अगर हम मोदी हुकूमत ने देख ही लिया है कि उसके दो तराने हथियार हमारे पाकिस्तानी फौज ने गिराए हैं, अगर वो भी उसने होश के नाहुन ला लिए तो इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। अच्छा, आपके वजीर आजम इमरान खान अम की बात करते हैं, निगोशिएशन के लिए टेबल टॉक करने के लिए मार्जिन दे रहे हैं, ये इंडोर्स और करना आपके लिए कैसा होगा कि आप अपने वजीर आजम का साथ अम के लिए देंगे और ये बताएंगे कि अम जो है वो कितना जरूरी है, जंगे कितनी मुश्किल है? इंशाल्लाह हम अपने वजीर आजम का साथ देंगे और हमारे वजीर आजम ने जो पैगाम दिया है वो बिल्कुल हकीकत में मबनी है। अगर फिर भी इंडिया को होश ना आया तो इसका जाम को खुद भुगतेगा। मतलब आप दिखाएंगे कि फोर्स हम में है, पहले बर्दाश्त करने की ताकत है। इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। कितना बर्दाश्त किया भारत की वजह से? बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, मगर अब हमारी बर्दाश्त से बाहर है। वो एक ऐसी कौम जिसने 15 साल दहशतगर्दी से लड़ाई की हो, कीमती जाने दी हो, पाकिस्तान ऐसा मुल्क जिसके चप्पे चप्पे पे दहशतगर्दों से सामना रहा हो हमें और हर शहर में बम धमाके भी हमने भुगते हों, ऐसे में हमारे लिए अमन कितना जरूरी है? अमन जरूरी है, मगर ये भारत को चाहिए कि अमन की तरफ आए। हम तो बार बार उसको बोल रहे हैं मुलाकात मेज पे आए, मगर वो ही है कुछ शरारते कर रहा है, दहशतगर्दी वही कराता है। शरारते हो रही है और क्यों हो रही है? दहशतगर्दी वही करते हैं, इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। अभी सारी दुनिया ने देख लिया है कि दहशतगर्द कौन है, उसके जिंदा पायलट हमने पकड़े, इसलिए पकड़े हैं कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम अमन चाहते हैं। कि आपने ये रैली कहाँ से शुरू की, कहाँ पे खत्म कर रहे हैं? हमने ये रैली बोलिए हमने ये रैली अकबरी मंडी से शुरू की है और हम ये रैली माल रोड के ऊपर ले जाएंगे और वहाँ पर वहाँ से वापसी भी करेंगे। कितनी देर की रैली होगी? नहीं, कितनी देर की खत्म हो जाएगी ये तो अल्लाह जानता है जी। अच्छा। हमारे लोग तो कहते हैं सारी रात चले। अच्छा। हाँ। तो ये जज्बा है आप? इतना जज्बा है कि लोग तो कहते हैं हमने बॉर्डर पे जाना है, लड़ने के लिए जाना है। और ऐसा भी है, हमारे दरमियान में एक यूनिट बन रहा है जो कहते हैं कि हम फौज पाकिस्तान को बोलेंगे हमारे ऊपर बम बांधो, हमें इंडिया के ऊपर से गिराओ। अच्छा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ देंगे आप फौज पाकिस्तान हमारी। ठीक है ठीक है। नारे लग रहे हैं यहाँ पर और रैली जो है इन्होंने अकबरी गेट से शुरू की है और इनका ये कहना है कि माल रोड पे ये जाएंगे और इजहार यकजहती करेंगे, असेंबली हॉल तक ये लोग जाएंगे। अच्छा, अगर तो पाकिस्तान एक पेश पे पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि हमने देखा इलेक्शन के बाद पार्टी हो रही थी, कोई पीपल्स पार्टी का था,
कोई तहरीके इंसाफ का था, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट हुआ कि सब पाकिस्तानी हो गए। इंशाल्लाह ऐसा हुआ। पाकिस्तान का बूढ़े से लेके बच्चा तक एक है, ये पूरी कौम एक है, अपनी गवर्नमेंट के साथ है, अपने पाक फौज के साथ है, इस मुल्क के साथ है। हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मैसेज दिया दुनिया को, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मैसेज दिया है, वैसे ही मैसेज हमारा है। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हमने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हजारों कुर्बानियां दी हैं, हम उसको रायगढ़ नहीं जाने देंगे। हम मोदी की ये जो साजिश है इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने दुनिया को मैसेज दिया है कि हम पूरा अमन लोग हैं, अमन चाहते हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं। हम अपनी कुर्बानियां दे के इस दुनिया को अमन दे रहे हैं, पाकिस्तान को अमन दे रहे हैं। इंडिया आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है, हम उसको भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इंडिया ने अब इंतहा कर दी। अब जो हमारे ऊपर इन्होंने आके बमबारी की, हमारी शहरी आबादियों पे आए दिन जो गोलाबारी की जाती है, शहरियों को शहीद, ये दुनिया में किस जगह पे ये है कि आप शहरी आबादी पे गोलाबारी करें, लेकिन उनको होश के नाहुन नहीं आते। आपकी रैली में मैं देख रही हूँ कि किसी भी मजहबी सियासी जमात या किसी भी सियासी जमात का परचम नहीं है, सिर्फ एक परचम है, वो जो सबसे हिलाली परचम है, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। सियासी ये सियासी रैली नहीं है, हाँ ये फौज पाकिस्तान के साथ यकजहती की रैली है। पाकिस्तानी कौम है, कोई मजहब, कोई हम सब बाले ताक रखते हुए हम इस कौम इस पाकिस्तान के साथ हैं। ये पूरी पूरी कौम यकजा है और कोई इसमें दरार नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। इस वक्त हमारी मुल्की सालमियत का मसला है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा आखिरी खून का कतरा तक इस पाकिस्तान के लिए, इस सरजमीन के लिए है। नारे दीजिए कि जो सारी कश्मकश हो रही है खित्ते में, जो अम की सूरत हाल खराब हो रही है, ये कश्मीर को हासिल करने के लिए भी कहा जा रहा है कि कश्मीर को हासिल करने के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं, वजीर आजम हैं इंडिया के, तो कश्मीरी भाइयों और बहनों को आप लोग क्या पैगाम देंगे? कश्मीरी कश्मीर हमारे जिस्म का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अक़वाम-ए-मुत्तहिदा अपनी पॉलिसी के मुताबिक कश्मीरी मुलाजम जो उनके जुल्म हो रहे हैं उसको बंद किया जाए, उनको आज़ादी दिलाई जाए, बेमाना कत्लोगारत को बंद किया जाए, उनकी जो मजलूमियत, उनके ऊपर जो जुल्म किए जा रहे हैं वो बंद किया जाए। आखिर में एक पैगाम जो आप पूरी दुनिया को देना चाहते हैं और पूरी दुनिया के सदूर को बताना चाहते हैं, पूरी दुनिया के वजीर आजमों को और रहनुमाओं को बताना चाहते हैं कि लाहौर शहर और पाकिस्तान मुल्क अम के लिए निगोशिएट करने के लिए तैयार है, टेबल टॉक करने के लिए तैयार है, तो उसको आप कैसे इंडोर्स कर रहे हैं? एक छोटा सा पैगाम और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं एक ही पैगाम मोदी सरकार को देना चाहता हूँ, तो ये सुन ले, मुसलमान का बच्चा पैदा ही शहीद होने के लिए होता है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। ये मोदी सरकार को हमारा पैगाम है कि यहाँ का बच्चा इंशाल्लाह कट मरेगा और अपना बदला लेगा, कश्मीर आजाद कराएगा। और अम का पैगाम, हम पूरी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी, आज अमेरिका भी मानता है, आज यूरोप भी मानता है, आज सेंट्रल एशिया भी मानता है। हम पुरअमन लोग हैं, इस पाकिस्तानी कौम ने हजारों जानें कुर्बान करके इस दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। हम आज भी पुरअमन लोग हैं, हम आइंदा भी इस अमन के लिए अपनी जानों का नजराना देते रहेंगे और पूरी दुनिया से उम्मीद करते हैं कि वो भी पाकिस्तान का साथ देंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थी पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन। इससे पहले हमने आपको आयरन मार्केट के ताजरान से मिलवाया था। हर कोई अपने अपने अंदाज में पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी जो इस वक्त रहनुमा हैं और पाकिस्तानी क़यादत है और पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए अपने अपने तौर तरीके से अपने अपने मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहे हैं। कैमरे की आंख से तमाम तर आपको सूरत हाल दिखा रहे हैं। आज शहर लाहौर की सना से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा है। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, आगे भी चलेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए।